हेलो एवरीवन, आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग अगर यूट्यूब पे न्यू यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं, न्यू यूट्यूब चैनल बनाते हैं, तो उस कंडीशन होता है क्या फ्रेंड कि हम लोग अपने यूट्यूब चैनल को यूट्यूब पे अगर सर्च करते हैं तो हम लोग को यूट्यूब चैनल जो है कहीं भी नहीं दिखता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखोगे मेरा यूट्यूब चैनल जो सबसे ऊपर में आपको देखने को मिल रहा है, और मैं दूसरा चैनल पर यहाँ पे सर्च करता हूँ तो ये भी देखोगे मेरा चैनल जो है ऊपर में देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे मैं दूसरा एक और यूट्यूब चैनल में यहाँ पे सर्च करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख कर सर्च करता हूँ यहाँ पे, तो देखोगे ये भी मेरा चैनल ऊपर में यहाँ पे सर्च कर रहा है, यानी कि ऊपर में आ रहा है। तो दोस्तों अगर आप भी इस तरह का अपना यूट्यूब चैनल न्यू यूट्यूब चैनल को अगर सर्च में लाना चाहते हो, सबसे ऊपर में लाना चाहते हो, तो दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। इस वीडियो देखने के बाद आपका यूट्यूब चैनल 100% सबसे ऊपर में आने लगेगा। दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को स्किप करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि अपने यूट्यूब चैनल को सर्च में कैसे लाते हैं, यूट्यूब को फर्स्ट नंबर में कैसे लाएंगे अपना यूट्यूब चैनल को सर्च में। तो दोस्तों सिंपल सा वो करना है कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे सिंपल सा क्या करना है, अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे आप क्रोम ब्राउजर को ओपन करोगे, लेकिन दोस्तों आप लोगों को बता दूँ कि वीडियो शुरू करने से पहले मेरे भाई आप लोगों को एक छोटा सा रिक्वेस्ट, दोस्तों चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही वीडियो को लाइक कर देना वीडियो पसंद आता है तो। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ जो ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो ट्रिक से आपका यूट्यूब चैनल सर्च में जरूर आएगा। तो सिंपल सा करना है कि फ्रेंड आपको यहाँ पे सर्च करना, यानी यूट्यूब डेस्कटॉप यहाँ पे अपना ओपन करना है, यानी क्रोम ब्राउजर पे अपने यूट्यूब चैनल को डेस्कटॉप साइट पे ओपन कर लेना है। जैसे आप क्रोम ब्राउजर पे अपने यूट्यूब चैनल को डेस्कटॉप साइट पे ओपन करोगे, यहाँ पे थ्री लाइन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे डेस्कटॉप साइट का एक आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे आपको क्लिक करना है। इससे फायदा ये होगा जिस तरह से हम लोग अपना लैपटॉप या पीसी में आपको ओपन करते हैं, सिंपल सा उसी तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा आपको करना है कि यहाँ पे आपको एक अपना चैनल का लोगो दिखेगा, तो सिंपल सा क्या करना है फ्रेंड, आपको अपने चैनल का जो लोगो दिख रहा है सिंपल सा उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे फ्रेंड, यहाँ पे थोड़ा मेरा नेट स्लो चल रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, यानी कि थोड़ा स्लो चलेगा तो आप लोग थोड़ा वेट कीजिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा मैं आप लोग देख लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा नेट स्लो चल रहा है जिसके कारण से आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है, तो यहाँ पे मैं वेट करता हूँ। और यहाँ पे आपको क्या करना है फ्रेंड, अपने चैनल का यहाँ पे जो लोगो दिखेगा सिंपल सा उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने यूअर चैनल पर क्लिक करना है। जैसे आप योर चैनल पे क्लिक करोगे, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे अपने चैनल का आइकन पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को योर चैनल पे क्लिक करना है। जैसे आप योर चैनल पे क्लिक करोगे फ्रेंड, तो यहाँ पे आपको आपको एक ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइज चैनल का, ठीक है। तो सिंपल सा आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ यूट्यूब स्टूडियो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, यानी यूट्यूब स्टूडियो जो हम लोग का है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आपको यूट्यूब स्टूडियो जो है यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र पे ओपन करना है, यूट्यूब एप्लीकेशन पे, यानी कि यूट्यूब स्टूडियो से एप्लीकेशन जो होता है उससे आपको ओपन नहीं करना है। यहाँ पे फिर डेस्कटॉप साइट पे मैं ओपन करता हूँ। मोबाइल पे थोड़ा प्रॉब्लम आता है फ्रेंड यहाँ पे ओपन करने में, तो थोड़ा मेंटेन कर लीजिएगा, आप पे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो डॉट यूट्यूब डॉट कॉम यहाँ पे जो है ओपन हो रहा है। यहाँ पे नेट थोड़ा मेरा स्लो चल रहा है जिसके कारण थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे वेट कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे वेट करोगे यहाँ पे देखोगे आपका यहाँ पे जैसे यहाँ पे ओपन हो जाता है, तो आपको करना है कि कुछ नहीं फ्रेंड, आप सिर्फ वीडियो को पूरा देख लेना, आपका चैनल जो है एक सप्ताह के अंदर ही आपका चैनल जो है 100% आपका सर्च में आने लगेगा। एक सप्ताह भी नहीं लगेगा फ्रेंड, मैं यहाँ पे न्यू यूट्यूब चैनल बनाया था उसको एक ही दिन में वीडियो अपलोड किया, एक ही दिन में मेरा चैनल भी सर्च में आने लगा, ठीक है। तो सिंपल से आपको करना है कि यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे नीचे साइड में देखोगे सेटिंग का, सिंपल से इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको चैनल पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे चैनल आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको करना है कि फ्रेंड जो भी यहाँ पे चैनल सर्च में लाने का रीजन, यानी कि फर्स्ट रैंक पे लाने का तरीका सिर्फ एक ही है और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो सिंपल से आपको करना है कि फ्रेंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे कीवर्ड का, तो आप आपको क्या करना है कीवर्ड डालना है यहाँ पे अपना चैनल का जो नाम होता है उस तरह से घुमा फिरा कर आपको डालना है। जैसे कि मेरा ये चैनल था एक गेमिंग चैनल मेरा, तो यहाँ पे मेरा चैनल का नाम जो है मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ आप लोगों को सामने में, किस तरह से डालना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो सिंपल से आप ही क्या करना है यहाँ पे मैं इसे कीवर्ड को यहाँ पे ओपन करता हूँ, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ओपन हो गया है, ठीक है। तो जैसे कि मेरा चैनल का नाम था आरसी गेमिंग, ठीक है, आरसी गेमिंग, तो मैंने आरसी गेमिंग लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से आपको क्या लिखना है गेमिंग आरसी लिखना है, फिर यहाँ पे क्या करना है आरसी यहाँ पे इस तरह से गेमिंग लिखना है, यानी कि अपना चैनल का जो नाम है घुमा फिरा कर आपको जो है इसी तरह से आपको लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मैंने किस तरह से लिखा है आर सी गेमिंग, सी आर गेमिंग, आर आर गेमिंग, गेमर आर सी गेमिंग, इस तरह से आपको जो है घुमा फिरा कर आपको लिखना है, यानी कि जो भी बंदा यहाँ पे लिख कर इस तरह से सर्च करेगा तो आपका चैनल जो है फर्स्ट रैंक पे आएगा। तो इसलिए आपको यहाँ क्या करना है, आपको जो भी अपना चैनल का नाम है तो घुमा फिरा कर हिंदी इंग्लिश जो भी है उस तरह से आप जितना अच्छा से डालोगे आपका चैनल जो है 100% आपका सर्च रैंक में आएगा। और दोस्तों अगर बात करें कीवर्ड का, तो यहाँ पे 500 कीवर्ड आपको यूट्यूब दिया रहता है, 500 कीवर्ड यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम कोई भी इशू नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब ने 500 कीवर्ड का यूज करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो सभी कीवर्ड यहाँ पे डाल देना है, यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक
कर देना है। लेकिन दोस्तों आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको YouTube चैनल जिस भी नाम से बनाना है, YouTube पे अवेलेबल ना हो उस नाम से आपको YouTube चैनल बनाना है। अगर उस तरह से यहाँ पे देखोगे, मैंने ये जो चैनल बनाया है मेरा ऑलरेडी यहाँ पे देखोगे मेरा यहाँ पे चैनल YouTube पे बना हुआ है, लेकिन मैंने फिर भी बना दिया कि चलो देखेंगे यहाँ पे सर्च में आ जाए तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे बना दिया था। अगर इस तरह से गेमिंग यहाँ पे चैनल का नाम अगर ऑलरेडी बना हुआ रहता है तो चैनल जो है सर्च में आने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि जो YouTube चैनल YouTube पे जो चैनल का नाम ऑलरेडी पहले से बना रहेगा उस नाम से आप चैनल मत बनाइएगा, वही बेहतर रहेगा। अगर उस नाम से बनाते हो तो चैनल जो है सर्च में आने का बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे सर्च करके जो भी चैनल का आप नाम रखोगे अब वो सिंपल से क्या करना है, आप सर्च करके देख लेना कि उस नाम से चैनल बना हुआ है तो नहीं बनाइएगा, अगर नहीं बना हुआ है तो उस नाम से बना दीजिएगा, तो आपका 100% चैनल सर्चिंग में आने लगेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी वीडियो पसंद आया होगा, पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों को पता है कि इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती रहती है। और दोस्तों कोई भी सवाल कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, नहीं तो इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आप लोगों को बहुत जल्दी रिप्लाई कर दूंगा।